नमस्कार, नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। सुबह 7:07 से द्वितीया तिथि आरंभ हो चुकी है। ऐसे में आज भाई दूज का त्यौहार है। विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 16 नवम्बर है, जो वर्ष का 320वां दिन है और साल में अभी 47 दिन बाकी हैं। 16 नंबर की इतिहास की बात करते हैं तो 1846 में उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का जन्मदिन है और 1860 में भारतीय श्रमिकों का पहला जत्था दक्षिण अफ्रीका के नाटाल पहुंचा था और आज ही के दिन 1915 में भारतीय क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का निधन हुआ। 19 साल की उम्र में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। करतार का जन्म 24 मई 1896 में लुधियाना के सराभा गाँव में हुआ था। 1930 में भारतीय तैराक मीर सेन का जन्म हुआ और 1958 में इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। इंग्लिश चैनल पार करने वाले वो पहले भारतीय और एशियाई तैराक थे। 1966 में वे हर महाद्वीप के वाटर चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले तैराक बने। 1945 में विश्वभर की सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण करने वाले यूनेस्को का गठन आज ही के दिन हुआ और 1973 में बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद का जन्म हुआ। 1996 में मदर टेरेसा को अमेरिका की मानद नागरिकता आज ही के दिन प्राप्त हुई थी और 1988 को पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने चुनाव में जीत हासिल की और बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 16 नवंबर 2001 को हैरी पॉटर पर बनी पहली फिल्म हैरी पॉटर एंड फिलोसोफर स्टोन रिलीज हुई और रुक करते हैं आज की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि चालू खरीफ मौसम में सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य 55,781 करोड़ रुपये मूल्य के धान की खरीद की गई। इससे 24 लाख किसान लाभान्वित हुए और मंत्रालय के अनुसार पिछले वर्ष की इस अवधि में 230,52,000 मैट्रिक टन धान की खरीद की गई थी, जबकि इस वर्ष 279 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 21.207% अधिक है। सूचना आयोग में आधुनिक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की शिकायतों का निपटाने में तेजी आई है। मुख्य सूचना आयुक्त ने आरटीआई आवेदनों को निपटाने की प्रक्रिया में किए गए सुधारों से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के बावजूद सूचना आयोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल से जून महीने में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ज़्यादा तेजी से आरटीआई आवेदनों को निपटाया गया। पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। श्रम मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा 2020 से संबंधित संहिता के तहत प्रारूप नियमों को अधिसूचित कर दिया है। प्रारूप नियमों में कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ, सामाजिक सुरक्षा और भवन तथा अन्य निर्माण कामगारों, असंगठित क्षेत्रों के कामगारों आदि से संबंधित उपकर के बारे में संहिता में उल्लिखित प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्था है। मंत्रालय ने हितधारकों से इस बारे में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि प्रारूप नियमों की अधिसूचना की तारीख 45 दिन की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव दिए जा सकते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत में 2 और आर्द्रभूमि क्षेत्रों को रामसर स्थल के रूप में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। ये 2 स्थान हैं महाराष्ट्र के लोना झील और उत्तर प्रदेश के आगरा का सुर सरोवर झील। इसे कीथम झील के नाम से भी जाना जाता है। श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा है कि आर्द्रभूमि क्षेत्र दुनिया के ऐसे स्थल हैं जो पानी को प्राकृतिक रूप से साफ करते हैं। ये धरती पर सबसे प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र हैं। इसके साथ ही बिहार से नीतीश कुमार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार को सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA विधायक दल का नेता चुना गया। पटना में NDA के घटक दलों की संयुक्त बैठक में यह फैसला लिया गया। इससे पहले नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर जनता दल यूनाइटेड के निर्वाचित विधायक की बैठक में उन्हें फिर से पार्टी का नेता चुना गया। NDA का नेता चुना जाने के बाद नीतीश कुमार ने कहा है कि उनकी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अनुरोध पर
वह राज्य में एनडीए सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हो गए। केंद्र सरकार खेलो इंडिया योजना के तहत 500 गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देगी। ये सहायता चालू वित्त वर्ष से अगले 4 वर्षों तक दी जाएगी। योजना के तहत संस्थान में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की मौजूदगी, संस्थान के कोच के स्तर, खेल के मैदान और अन्य सुविधाओं की गुणवत्ता और खेल कर्मियों की उपलब्धता के आधार पर गैर सरकारी अकादमियों की श्रेणियां बनाई जाएंगी। पहले चरण में 2028 के ओलंपिक की 14 प्रमुख विधाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता देना जरूरी है ताकि देश के दूर दराज के इलाकों में भी प्रतिभाओं को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य खेल से जुड़ी बुनियादी ढांचों और संस्थानों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन करना है ताकि एथलीटों को सर्वोत्तम प्रशिक्षण मिल सके। अच्छी खबर है कि डॉलर जो है वो चढ़ा है और विदेशी मुद्रा भंडार हमारे देश में बढ़ा है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPI ने 2 नवंबर से 13 नवंबर की अवधि के दौरान इक्विटी बाजार में 29,436 करोड़ रुपए का निवेश किया और ऋण बाजार के श्रेणी में 5,673 करोड़ रुपए का निवेश किया। भारतीय पूंजी बाजार में नवंबर के दौरान अब तक कुल शुद्ध विदेशी निवेश 35,109 करोड़ रुपए रहा। और आज के जीवन मंत्र में अगर हम खुद पर ही भरोसा नहीं करेंगे तो अच्छे अवसर भी हाथ से निकलते जाएंगे। इसीलिए विचारों में सकारात्मकता लाना जरूरी है और अपने आप पर भरोसा रखना जरूरी है। और नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों से आप अपने दिन और जीवन में सकारात्मकता लाएं, शेयर करें और लोगों के बीच में सकारात्मकता फैलाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।